बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद है फ़ज़ले ताला आप सब बख़ैर वाफ़ियत होंगे। लास्ट क्लास में हमने अलिफ लिखना सीखा था और माशाल्लाह बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की आप सब ने। अल्लाह पाक आप सब के काम में मज़ीद बरकत डालें। आज की क्लास में हम बा लिखना सीखेंगे और बा में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती हैं मुअल्ला कैलीग्राफी में। तो हम स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेरिएशंस भी समझनी है इंशाल्लाह और साथ ही साथ उनका मीज़ान भी समझना है। तो सबसे पहले जो शेप है बा की, उसका मीज़ान समझ लीजिए। स्ट्रेट लाइन लगानी है एक और इसके साथ तीन नकात लगेंगे, ठीक है। तीन नकात यहाँ तक पहला स्ट्रोक बनेगा बा का और इस लाइन से एक नुक्ता इस तरफ स्ट्रोक होगा बा का। अब ये मिज़ान हो गया स्टार्टिंग का। अब बनेगा किस तरह, देखिए कलम की दो नोक्स के बारे में बात हुई थी, एक वाशी नोक और एक उनसी नोक। ये बात सारे मोहल्ला खताती में आप सबको याद रखनी होगी। ये वाली नोक वाशी थी और ये वाली नोक उनसी थी। अब इसमें जो वाशी नोक होगी उससे बारीक पार्ट बनेगा शुरू से ही। 90 डिग्री पे कलम रखना है इस तरह और वाशी नोक से नोक बनाकर पूरी कलम लगाते हुए नीचे आते जाना है और ये स्ट्रोक बनेगा, ठीक है। ये पहला स्ट्रोक है बा लिखने के लिए। अब क्या करना होगा, यहाँ ही कलम रखिए बिल्कुल इस जगह पर, यहाँ से इस तरह मूव करना है। मूव करते जाएं करते जाएं करते जाएं, बाद में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा और ये गोलाई बन जाएगी। इस तरह से ये शेप मुकम्मल होगी। यहाँ कलम का एक कत लगाएं इस तरह से और बेस लाइन से सीधी लाइन खींचें तो ये इतना नीचे आता है, ठीक है। और अगर इस पॉइंट से भी सीधी लाइन खींचें तो यहाँ भी एक कत जितना इसे नीचे जाना होता है। दोनों साइड से इतना इतना इसने यहाँ से पूरा कत नीचे आना है और यहाँ से डेप्थ भी एक कत की होगी। इसके अंदर जो नकात होते हैं वो 4 से 5 नकात होते हैं। ठीक है, 4 से 5 नकात के अंदर ये जो बा है ये मुकम्मल बनता है। यहाँ से ये ऊपर एक नुक्ता रह जाता है, मतलब ये पार्ट इतना ऊंचा आना चाहिए कि एक नुक्ता नीचे रह जाए इसके स्टार्टिंग पार्ट से। तो ये बा की पहली शेप है। अब चलते हैं दूसरी शेप की तरफ। बहुत आसान है, काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है इसे। वाशी और उनसी नोक का ही इस्तेमाल है उसमें भी। देखिए वो किस तरह बनेगी। अगेन हमें तीन नकात लगाने होंगे। नकात देखिए इस तरह, इनके नोक आपस में मिलती है, नुक्ते एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते। इस बात का ख्याल करना है, नकात अच्छे से नहीं बन पाते आप लोगों से, जिसकी वजह से लफ्ज़ का मीज़ान ख़राब हो जाता है। अगेन एक नुक्ते का फ़र्क आएगा यहाँ। अब क्या करना है, पहला स्ट्रोक बिल्कुल वैसे ही चलेगा जितना पहले चला, वाशी और उनसी नोक का इस्तेमाल करते हुए। ये
ये देखिए, ठीक है, मुकम्मल तौर पर पहले बार जैसा स्ट्रोक हो जाएगा। अब आगे का स्ट्रोक इस तरह बनेगा, इसमें बार जो सी है ये सीधी चलती है लाइन के ऊपर, ठीक है, इसमें गहराई नहीं होगी, मतलब ये बिल्कुल बेस लाइन के ऊपर बैठी हुई है। अगेन इसके अंदर वही 4 से 5 निकात रहेंगे, चार से पांच निकात, बस इसने बेस लाइन के ऊपर ऊपर रहना है, एक नुक्ता ही यहाँ से वक्फा आएगा, बट ये सीधी आएगी, बस ये इसमें डिफरेंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आसान है, तकरीबन मिलती जुलती शेप है, इसमें हम हल्का सा नीचे उतरते हैं, इसमें हम नीचे नहीं उतरते, सीधे चले जाते हैं, ठीक है, तो ये फ़र्क है दोनों में। अब थर्ड वाली बात देखिए, ये हमारी सेकंड शेप होगी। अब थर्ड देखिए, थर्ड का जो स्टार्टिंग पार्ट है वो सेम है, इसमें कलम को ऐसे ही वाशी उनसी नो का इस्तेमाल करते हुए ये पहला स्ट्रोक बनाया जाएगा, इस तरह आप देख लीजिए कि ये मुकम्मल तौर पर 3 नकात में है, ठीक है, 3 नकात में, और यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूँ तो इन दोनों के दरमियान में वक्फा भी पूरा एक नुक्ते का है। तो सेम स्ट्रोक, अब करना क्या है, यहाँ कलम रखनी है बिल्कुल यहाँ मिड कनेक्शन बनाते हुए, नीचे को उतना हल्का सा, साथ ही ऊपर आ जाए, ठीक है। ये देखिए यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचूँ तो यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है, मतलब ये नीचे को उतरा है स्ट्रोक हमारा, यहाँ से गुलाईदार ही रहेगा, हल्का सा गोल ही रहेगा, और ये लाइन से थोड़ा नीचे जाएगा। अब यहाँ से बकिया पार्ट बनेगा बा का, ये चीज़। अब देखिए इसकी मेजरमेंट किस तरह होगी, ये एक कत लगा कलम का, और इसको इधर को बढ़ाएं तो एक कत नीचे आया, एक कत लगा कलम का और इसको इधर मिलाइए तो एक कत नीचे आया, बिल्कुल पहली बार ऐसे हो गया, और ये एक नुक्ता नीचे रह गया, ठीक है, ये मेजरमेंट। यहाँ से स्ट्रेट लाइन पीछे ले जाऊँ तो यहाँ आधे नुक्ते का फ़र्क आ जाता है, तो ये बा है और ये बा की कितनी थर्ड शेप है, 3 शेप्स हमने पहले, अब चलते हैं फोर्थ शेप की तरफ। इस शेप को बनाने के लिए मोमेंट जो सी है वो इस तरह से होगी, देखिएगा ध्यान से समझिएगा इस मोमेंट को, हल्का सा ऊपर और फिर नीचे आ जाएं, बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं और वापस ऊंचा उठ जाएं, मेजरमेंट किस तरह करेंगे इसकी, कि यहाँ एक कत लगाएं कलम का तो ये इक्वल आ जाएगा, यहाँ एक कत लगाऊंगा तो ये भी इक्वल आ जाएगा, दोनों साइड से ये चीज़ इक्वल हो गई। अब यहाँ दो तरह की मोमेंट्स हैं, इसको हल्का सा राउंड कीजिए यहाँ से, और कलम की जो वाशी नोक है उसे ये स्ट्रोक बनाएं, ठीक है, और बाज़ औक़ात खूबसूरती के लिए इसके ऊपर एक शेप ऐड की जाती है, उसकी कोई लेंथ दरकार नहीं होती कि इसको 3 नकात में बनाइए 4 नकात में बनाइए, ऐसा नहीं है, बस खूबसूरती के लिए ऐड किया जाता है। वो किस तरह से होता है कि इस नोक को ऊपर लेके जाके हल्की सी ये गोलाई ऐड करनी है और फिर ऊपर छोड़ देना है, बस ये शेप, और ये भी बा है, काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, लेकिन जो सुल्स का बा होता है ना उसमें यहाँ पूरा एक नुक्ता समा जाता है, तो ये कलम का कद हमेशा एक नुक्ते से छोटा होता है, ये बात याद रखनी है।
जो कलम का कद होता है वो उसकी मेजरमेंट सिर्फ इतनी सी होती है, जबकि कलम का जो नुकता होता है वो ये देखिए बढ़ गया, इससे बड़ा हो गया। तो ये कद जितना हमने नीचे आना है, ना कि नुकते जितना, ठीक है। तो ये डिफरेंस है सुल्स के बा में और इस बा में। दूसरी तरफ आ जाएं, अब इसकी जो लास्ट शेप है, अच्छा इसका पहले मेज़ान देख लेते हैं। इसका मेज़ान वैसे ही होगा, 4 से 5 निकात का। ठीक है, तो ये इसका मेज़ान होगा। इसकी हद मुकर्रर नहीं है, वैसे मैंने जितना बनाया है मैं वो निकात लगा देता हूँ यहाँ, लेकिन इसकी हद मुकर्रर नहीं है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। लफ्स की एक तो प्लेसमेंट को देखते हुए और लफ्स की खूबसूरती को देखते हुए और कंपोजिशन को देखते हुए हम ये वाला पार्ट बनाते हैं, ज़रूरत पड़े तो। बाज़ जगहों पर नज़र आएगा, इसलिए मैंने बना कर दिखा दिया। लास्ट शेप है बिल्कुल सिमिलर है इसके, बनेगी कैसे, स्टार्ट भी ऐसे ही होगा। ये देखिए हल्का सा ऊपर आए और फिर वापस, ऊपर और यहाँ से अब इसको बस हल्का सा राउंड ही करना है, बस अब लंबी शेप नहीं छेड़नी, हल्का सा बस राउंड कर देना है। ठीक है, मेजरमेंट इसकी अगेन वैसे ही होगी जैसे हमने पीछे वाले बा में की। ये स्ट्रेट लाइन से बराबर आ जाएगा, इसके यहाँ यहाँ से बराबर आ जाएगा, इसके अंदर 4 से 5 निकात। तो ये हमारी लास्ट शेप है जो 5th शेप है। अब बात करते हैं कोई जो जनरल मिस्टेक्स हैं बा को लिखते हुए जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, वो कौन सी हैं जनरल मिस्टेक्स। तो सबसे पहली मिस्टेक आती है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, वो किस तरह से होती है कि यहाँ इस तरह स्ट्रोक बनाने के बाद ये जो जॉइनिंग होती है ये मिड कनेक्शन से होती है, वो बिल्कुल यहाँ से निकालते हैं और बहुत जल्दी ऊपर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा करीब ले आते हैं इसको, बहुत ज़्यादा, और बाद में ये जो बा होती है इसको नीचे ज़्यादा ले आते हैं, इस तरह करके बा बनाते हैं। तो ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना। ये एक मिड कनेक्शन से स्टार्ट होता है, यहाँ एक नोक नज़र आती है, वो नोक नज़र आनी चाहिए और पीछे से इसकी गोलाई होती है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। और ये जो स्ट्रोक पहले वाला है बा लिखने के लिए, इसकी थोड़ी तफसील बता देता हूँ। देखिए कलम को 90 पे पकड़िए या 80 डिग्री पे पकड़ लें, ठीक है, 90 to 80 डिग्री का जो एंगल है वो इसको स्टार्ट करेगा। अब ये ऊपर हमारी वाशी नोक आ गई, इस वाशी नोक को हमने ज़्यादा शार्प रखना है यहाँ, देखिए शार्प पार्ट नज़र आया इसका, इसको नज़र आना चाहिए। अब इसको इस अपने राइट हैंड साइड की तरफ ड्रैग कीजिए, थोड़ा ड्रैग करते करते एंडिंग से अंदर को कर दें, बस ये पार्ट है, एक साथ बनाइए, बस ठीक है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, लाइट ऑफ हो गई थी इसकी वजह से, क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो दोबारा से मैंने कनेक्ट किया है। अब कुछ सवालात हैं तो पूछ लीजिए, हमारी क्लास यहाँ मुकम्मल होती है। जी कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, फिर मैं क्लास को एंड करता हूँ।
वैसे तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप बार बार देख सकते हैं। बा को किसी दूसरे अल्फ़ाबेट से कनेक्ट करने के लिए हम मुरकबात सीखेंगे। पहले एक दफ़ा मुफरदात मुकम्मल कर लीजिए। मुफरदात जब मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह मुरकबात में सारी चीज़ें देखेंगे। अच्छा ठीक है, मतलब मैं सारा कुछ दोबारा से रिपीट कर दूं। जो स्टूडेंट्स लेट आए हैं वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। मुफरदात पर तवज्जो ज़्यादा देना होती है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चाह रहे हैं। जब मुफरदात अच्छे से कर लेंगे तो मुरकबात आसानी से होंगे। अगर आप लोग मुफरदात अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, हाथ पर नहीं बैठाएँगे, तो मुरकबात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो असल जो बेस होती है वो ये मुफरदात ही होते हैं। बाकी पार्ट्स देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं क्लास एंड कर दूंगा। बा का नुक्ता बा के नीचे ही लगेगा, ये एक कत की जगह छोड़कर यहाँ लगा दीजिए। वैसे इसके नकात लगाने में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हैं, जब हम कंपोजिशन करेंगे ना उसमें सीखेंगे इंशाल्लाह। नकात बहुत अलग अलग जगहों पे भी लगते हैं। फोर्थ वाली बात देख लीजिए एक दफ़ा दोबारा से। ये मोमेंट बनाने के बाद बस फिर आसानी हो जाती है। देखिए यहाँ पूरा एक कत आ जाता है कलम का, और ऐसे यहाँ भी एक कत आ जाता है कलम का। ये तो आगे इक्वल सीधे सीध में, यहाँ पूरा एक नुक्ता आता है इस बा में। ठीक है, जो ये बा है ना, इसकी इस साइड पे पूरा एक नुक्ता आता है। अब यहाँ से ये राउंड मोमेंट को बरकरार करना है हमने, ये राउंड मोमेंट को देखना है। ये देखिए यहाँ हल्का सा हटाकर एक कत लगाएं कलम का, ये कत हमें बता देगा कि राउंड मोमेंट कहाँ तक आ रही है। बस फिर एक कत और लगाया तो बस यहाँ से ही हम ये शेप बना देंगे। देखें ये राउंड मोमेंट भी बरकरार रही, और फिर यहाँ से ये जो जुल्फ वाला पार्ट है ये भी ठीक से रहा। तो इस तरह से ये फोर्थ वाली बा बनेगी। ठीक है, तो अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई मज़ीद सवालात हों इसके अलावा तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में मैं आपके मैसेजेस और आपका काम चेक करूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हम जीम लिखना सीखेंगे, और जीम में भी काफ़ी वेरिएशंस हैं। तो तब तक बाकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करें। मुफरदात जितने ज़्यादा पुख्ता कर लेंगे, मुरकबात उतने अच्छे से होंगे। तो असल बेस यही चीज़ें होती हैं जो हम सीख रहे हैं, इसीलिए इस पे ज़्यादा वक्त लगाया जाता है। तो जितना वक्त आप इन चीज़ों को दे लेंगे, उतना ही कम वक्त आपको मुरकबात और याद कंपोजिशन पर देना पड़ेगा। ठीक है, चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।